गांव में आई थी और बड़े दिनों के बाद, वैसे आते जाते रहते हैं जब टाइम मिलता है तभी, तो सोची आप सबको भी दिखा दूं कि हमारे यहाँ। तो दोस्तों बच्चे सब चले गए हैं और घर पे हम हैं चंदन के पापा। तो यहाँ दूध पतीले में डाल दी, पानी धुल रहे हैं, मैं नहीं धुल पाई, कल चली गई थी, घर पे थी नहीं। तो यहाँ पर साफ कर रहे हैं, एक पैंट है, एक बुशर्ट है, नाराज भी हैं और यहाँ गुंजन खड़ी है तैयार। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना और आगे का वीडियो कल शूट की हूँ, थंबनेल लगाई हूँ, वो अभी जोड़ेंगे। नमस्ते कर लो सब लोग। नमस्ते पुलिस। तो दो बार रिपीट करती है, आते हैं आप सबको। तो हम गुंजन गांव में आए हैं, हमारे यूपी का मेकअप देखिए इसी तरह होता है। यहाँ चूल्हा पड़ रहा है। गुंजन मेकअप कैसा है? नहीं है अच्छा, इतना अच्छा मेकअप किए हैं सब लोग। तो जितने सब लोग हैं, बहनें सभी लोग इसी तरह लगाते हैं और आप सब नहीं देखे होंगे ऐसा, तो मैं सोची आप सबको दिखा दूँ। आज यहाँ हमारे पड़ोस में शादी है तो चूल्हा पड़ रहा है, तो मैं आई थी वहाँ पर, तो सबको नहीं दिखा सकती क्योंकि देखिए गाना चल रहा है अभी। गुंजन भाग ली यहाँ से। तो यहाँ पर हम और शीतल, गुंजन सब अलग बैठे हैं और शीतल को टीका लगा है, गुंजन बाद में आई है। तो सब देख देख कर शीतल हंस रही है। कैसा लगा शीतल? तो हम चल रहे हैं यहाँ से घर पे। गांव में आई थी और बड़े दिनों के बाद, वैसे आते जाते रहते हैं जब टाइम मिलता है तभी, तो सोची आप सबको भी दिखा दूं कि हमारे यहाँ जैसे चूल्हा पड़ता है, तो चूल्हा पड़ रहा था। तो दोस्तों वहाँ कई लोग थे बहुत, तो बहुत से लोग जो जाहिर सी बात है वीडियो में नहीं आना चाहेंगे, तो हम बनाना भी नहीं चाहे, तो आप सबको नहीं दिखा पाई। और जब कभी हमारे तरफ शादी होगा हमारे घर परिवार में, तो आप सबको दिखाएंगे पूरा फुल। अब तो हम अंजलि सब लोग यहाँ से चल, तो सब चले आए वहाँ से गांव से, अब चल रहे हैं घर पे। तो ये वीडियो एक दिन पहले बनाई। तो दोस्तों हम घर पे आ गए हैं शाम के ही टाइम, तो सिंदूर ये पीला से लगा दिए हैं, क्या क्या बनाए हैं आप समझ गए होंगे। और ये काजल लगा है। तो हमें ये वीडियो डालने में कोई शर्म नहीं लगा, ये तो एक समझ लीजिए रीति रिवाज है जो आप सबको मैं दिखाई, तो बना दी। तो चंदन के पापा के पास आ गई, देखिए हमारा मौज कैसा लगा। तो चंदन के पापा का मौज बना हुआ है, हमारा सही है ना, दाढ़ी भी उग गई मौज। तो चंदन के पापा से बोल रही हूँ, इनको शर्म लग रहा है, क्या बताएं, जो बना है तो बता रहे हैं। काजल भी लगा है सिंदूर का, तो पोछ देंगे, वैसे धुलना नहीं चाहिए, अभी सब छूट जाएगा। तो ऐसे दोस्तों कई लोग, कई भाई बहन बोलते हैं संगीता जी आप बिहार से हो तो बिहार का लैंग्वेज बोला करो, तो दोस्तों हम बिहार से नहीं हैं, हम यूपी से हैं। तो यूपी हम अयोध्या के पास, तो ये शायद यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी भाषा, अवधी भाषा कुछ खड़ी भाषा और दो तीन भाषा मिक्स करके, तो इसी तरह बोलते हैं। और बिहार वाला भाषा मैं खुद नहीं बोल पाऊँगी, सच बता रही हूँ। कहीं जाना होगा तो कोई कहीं जा रहा है तो जैसे बोलना है, हम आप कहाँ जा रहे हो मार्केट में बाज़ार, तो हमारे सबके भाषा में यही बोल, तू कहाँ जात बाटो बाज़ार जात हो, यही से बात बोला थी। तो आज लेट में सब लोग उठे, बारिश हो रहा था,
यहाँ चंदन के पापा कपड़ा धुल रहे हैं, मैं नहीं धुल पाई, कल चली गई थी, घर पे थी नहीं, तो यहाँ पर साफ कर रहे हैं। एक पैंट है, एक बुशर्ट है, नाराज भी हैं। और यहाँ गुंजन खड़ी हैं, तैयार हो गई हैं, चांदनी स्कूल पे जा रही हैं, खाना रख रही हैं, दाल चावल मैं बना दी, अभी सब्जी बनाना है, रोटी बनाना है, चंदन चले गए। अंजलि कल जाएगी, आज पेपर नहीं है, अंजलि का कल पेपर था, तो अब चलते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कपड़ा धुल रहे हैं, ऊपर भी नहीं देखेंगे, मुंह बना के रखे हैं। शीतल यहाँ खाना रख ली अपना, और स्कूल गुंजन शीतल सब जा रही हैं, अंजलि खड़े होकर देख रही है। तो दोस्तों हम तो दाल चावल बना ली हूँ, यहाँ पर कढ़ाही रखा हुआ है, सब्जी काट के रखी हूँ तड़का, दाल चावल बच्चे खा लिए हैं। दोस्तों बच्चे सब चले गए हैं और घर पे हम हैं, चंदन के पापा हैं, चंदन के पापा भी अभी काम से चले जाएंगे, थोड़ा काम है। और यहाँ पर दाल चावल उतार के रख दी हूँ बच्चों के लिए, मैं बना दी थी, आज बच्चे जल्दी उठे नहीं, सभी नहीं उठे, आज बारिश हो रहा था, बूंदी बांदी, तो गोभी किचन गार्डन में तैयार है, खराब हो जाएगा, इसीलिए सब्जी बना लेते हैं, दाल कम लगता है, थोड़ा ही दाल बनाना पड़ता है। यहाँ पर दूध डाल देते हैं, एक पाव दूध लाते हैं, तो यहाँ दूध पतीले में डाल दी, पानी भी साथ में डाली थी, तो चीनी डाल देते हैं दूध में, हम सबके इधर थोड़ा मीठा चाय पीते हैं, फीका चाय नहीं पीते, और शुगर का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर चाय पत्ती डाल दी, तीन चाय बनाई हूँ, और बच्चे पीकर नहीं गए हैं, खाना खाकर गए हैं, तो चाय निकाल दी हूँ, चाय तो बन गया है, चलते हैं आलू गोभी का सब्जी बनाते हैं। और मक्खियाँ इस टाइम आ गई मेरे घर पे, ठंड के मौसम में बहुत बुरा लगेगा आप सबको, और मेरे ही घर में नहीं, सभी के घर में। तो दोस्तों अब की बार मैं एक पाव तेल लेकर आई, और तेल में पता नहीं क्या कमी है कि तेल में इतना देखिए उठ रहा है, इसमें झाग निकल रहा है, और ये देखिए तेल बिल्कुल काला है, तो सरसों का तेल बता कर दिए, नदी से दिखा दो, देखिए ये सरसों का तेल बता के दिए हैं, लेकिन ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज का तेल है। तो देखिए दोस्तों ये तेल बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल इसका कलर ही अलग है, तो अब क्या करें, लाए हैं तो खाना पड़ेगा। तो अब सब्जी रोटी हम बना लेते हैं, बच्चे 11 बजे स्कूल जा जाएंगे, देखते हैं बच्चों का इंतजार करेंगे। दोस्तों हमारा सब्जी पक गया अच्छे से, और सूखी सब्जी मैं बनाई हूँ गोभी का, इसी तरह बनाती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डाली, वो उतार लेते हैं, कढ़ाई उतार के इस तरफ रख दिए हैं ताकि ये फर्श जल के टूट जाएगा, एक दो जगह टूट गया है। तो अब चलती हूँ रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं खाना बना ली, सब्जी रोटी चावल सब बना दी, चंदन के पापा को दे दी, खा के चले गए वो, घर पे अकेली हूँ, और बच्चे आज 2 बजे स्कूल से आएंगे, तो आज देखिए मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ, ख़त्म भी कर रही हूँ, और आज दिखाई मेरे यूपी में, यहाँ पर शादी के 4-6 दिन पहले रस्म किया जाता है, चूल्हा छोड़ा जाएगा, फिर तिलवान भत्तवान, फिर ब्याह होता है, और ब्याह के बाद में विदाई, विदाई के बाद में बदनौर सरवाया जाता है। तो आज गई थी गांव में शामिल होने, तो आज क्या कल ही गई थी दोस्तों, सच बात तो ये है, वो वीडियो कल का ही है। तो तमाम प्रकार के तरह कमेंट भी आ सकता है, हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या जो लोग नहीं समझेंगे लिखेंगे कि सिंदूर लगाई है, तो एक रस्म होता है,
तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आज मेरा मेकअप अजीब तरह, कभी मैं वीडियो में ऐसा नहीं की थी, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।